ये आपके पास जो भी है जो भी है जो भी है, मैं इतना बुरा आंख बंद होने के बाद, छोड़ो आंख बंद होने की बात भी नहीं करना चाहता हूं, एक असाध्य बीमारी हो गई ना, फोर स्टेज का कैंसर शरीर में डिटेक्ट हुआ ना, तब पता चलेगा ये बढ़ाने का जो भी प्रयास था आखिर तुमने नतीजे में क्या पाया, कुछ नहीं। हम इसलिए निकल गए साथ में जो है उनको पाने के लिए, और तुम वहां इसलिए बैठे हो, तुम्हारे पास जो है वो बढ़ाने छोड़ कैर छोड़ दो, चलो आगे। यहां बैठने वाले को सिर्फ इतना सच बोलो, आपके दिन में ऐसा त्याग जो आनंद पूर्वक था वो कितना? त्याग के लिए तुम्हारे मन के साथ संघर्ष नहीं करना पड़ा और सहज रूप से त्याग होया, ऐसा त्याग आपके जीवन में कितना आया, ये अनुभव कितना? आप जिंदगी में बहुत खुश हो जाएंगे। मैं बताऊं, बरसों पहले बलसाड़ में था, 6 रविवार की शिविर चली थी और लड़के लोग नए नए जुड़ते आए मेरे पास, माने साहब आपके हिसाब से हम धर्म कहां से शुरू करें, बहुत यंग जनरेशन थी, कभी मंदिर में गए नहीं गए। महावीर, मैंने उन लोगों का एक काम करो, वलसाड में जो भिक्षुक है ना, एक बार उनको भिक्षुक भोजन करा दो, फिर बात शुरू करेंगे। जो भी भिखारी है उनको एक बार भोजन करा लो, एक बार वहां से तो शुरू करो, फिर आगे का रास्ता निकालेंगे। ठीक है गुरुदेव। शनिवार के दिन बाद भी रविवार की शिविर थी, मंगलवार को वो लड़के मिलने के लिए आए, चेहरे पर मुस्कान होनी चाहिए मगर चेहरा गिरा हुआ था। मैंने बोला क्या हुआ? भिक्षुक भोजन नहीं हो पाया। मैं बोला अमाउंट कम, हमारे साथ ज्यादा, हमने सोचा था 10-20 हजार चाहिए, हमारे साथ 30 हजार हो गया। फिर क्या हुआ? भिखारी नहीं, भिक्षुक भोजन नहीं किया, क्यों? व्यवस्था नहीं थी। महाराज साहब अभी आप सुनेंगे क्या? बोला सुनने के लिए बैठा हूं, बताओ क्या हुआ। महाराज साहब संडे की शिविर खत्म होने के बाद सोमवार को भिक्षुक भोजन कराना चाहते थे, एक भिखारी मिला यही उपासे के बाजू में। हमने उनको कहा, मैंने, वो 2-3 लड़के थे, उसने कहा हमारा साहब भिखारी को, हमने कहा कि हम पूरे बलसाड़ में जितने भी भिक्षुक हैं ना उनको भोजन कराना चाहते। बारडोली का चातुर्मास करके बोर्डी का चातुर्मास किया ना, वो समय की बात, माने कितने साल हुए, 25 महेंद्र में मालूम है भिखारी ने क्या जवाब दिया? उसने बोला तुम हम सबको भोजन कराना चाहते हो, मेरे कैप्टन को मिलना पड़ेगा। पहली बार चला कि भिखारी का भी कोई कैप्टन होता है। पूछा कैप्टन कहां थे? उसने बोला महावीर सोसाइटी में। गुरुदेव जिंदगी में पहली बार 1.5 किलोमीटर भिखारी को मिलने के लिए गया, तुम समझे? भिखारी को मिलने के बड़ी मुश्किल से मिला, वो भी मुश्किल से मिला, और वो आपसे बात करता था, क्या है? अरे, और हमने बोला गुरुदेव आए हैं मेरे, तो आपने बोला कि भिक्षुक भोजन कराना है, तो एक भिखारी को मिला तो उसने आपका नाम दिया, तो हम चाहते ही कल 1-2 दिन में ही आपको भोजन कराना चाहते। महाराज साहब कमाल की बात, जिंदगी में ऐसा अनुभव होगा सोचा भी नहीं था, आपने रास्ता जी का अनुभव हो गया। महाराज साहब भिखारी ने जेब में से डायरी निकाली, डायरी निकाल के चेक करके बोलने लगा 53 रविवार बुक छे कहो तो 54 मो करू। संडे का बुकिंग है, तुम बोलो तो 54 का करो। पहली बार पता चला महाराज साहब हम किसको भोजन कराना चाहते, भिखारी ना बोल दिया। एक बात बताऊं, दान करने की तुम्हारी कितनी भी ताकत हो मगर दान स्वीकार करने वाला न हो तो तुम्हारा कुछ पुण्य नहीं है। करने वाले बहुत शायद मिल जाते, स्वीकार वाले तो मिलने चाहिए। एक किसान हाथ में बीज लेकर के घूमता है मगर जब तक जमीन नहीं मिलती है ना, खाली मिट्टी वाली, किसान भी क्या करेगा? आपको एक प्रश्न पूछो, सच बोलो, किसान यदि करोड़पति बनता है वो बीज डालने के हिसाब से या जमीन बीज लेती है इसके हिसाब से? पक्का ना? माने बंजर भूमि ने किसान ने जब किसान ने बीज डाल दिया, बंजर भूमि में किसान ने बीज डाल दिया होगा कुछ? डाल तो वहां भी दिया, डामरी सड़क पे डाल दिया, होने वाला कुछ नहीं है। मगर कोई भी किसान अबजपति तब नहीं होगा, वो बीज छोड़ता है तब, मगर तब होगा जमीन बीज लेती है तब। मैं आपको इतना ही कहना चाहूंगा, आपका पुण्य ये नहीं होगा कि तुमने कितना त्याग किया, लेने वाला कोई होगा तो आपका पुण्य बढ़ेगा, बाकी ना बोल देगा तो आपका पुण्य भी नहीं बढ़ेगा।